प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। आज पहली बार जो भाई लोग आए हैं उन तीनों का विशेष स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये आत्मिक सभाएं आपको बहुत अधिक, आपके जीवन में बहुत अधिक आत्मिक उत्साह, आत्मिक अनुग्रह का कारण बनेंगे। यहाँ तीन लोग खड़े होकर जो गा रहे थे उसमें सबसे दहिनी और वो जो युवा भाई आके खड़े हुए थे वो भी पहली बार इस सभा में आ रहे हैं। वो इस सभा के सदस्य हैं लेकिन नौकरी के कारण वो कहीं विदेश में, विदेश से मेरा मतलब है केरल के बाहर हैं। भाई प्रेस का भी हम स्वागत करते हैं। संडे शाम का समय लोगों के लिए बहुत अधिक रेस्ट, आनंद, मंगल वगैरह का समय होता है, लेकिन इस तरह से घर पे बैठ के टीवी देखने या और अन्य काम करने के बदले आप सब लोग आज शाम को यहाँ पर एक आत्मिक सभा के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सबकी प्रशंसा भी करता हूँ कि आत्मिक बातों में आप लोगों ने इतनी रुचि ली है। और प्रभु से आज मेरी विनती और प्रार्थना है कि हे प्रभु, ये भाई बहन संडे शाम का समय आपके चरणों में बैठकर आपका वचन सुनना चाहते हैं और इस कारण इनमें से हर व्यक्ति पर अपना अनुग्रह दीजिए और यहाँ से आपका अनुग्रह पाकर ही ये लोग यहाँ से जाएं। संडे शाम की इन सभाओं में हम सब प्रभु के वचन बाइबल से, पवित्र बाइबल से प्रभु जो प्रोत्साहन देते हैं, जो संदेश देते हैं उसको सुनने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। जो पहली बार इसको देख रहे हैं उनको मैं याद दिला दूं कि प्रभु ने अपना वचन 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा 1500 सालों में लिखवाया था और दुनिया की सैकड़ों भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अपने हिंदुस्तान की सारी जितनी मुख्य भाषाएं हैं सब भाषाओं में ये इसका अनुवाद उपलब्ध है। यदि हिंदी के अलावा, हिंदी में यह कॉपीज हैं, हिंदी के अलावा और कोई भाषा बोलते हैं तो उसकी भी कॉपीज यहाँ पर हमारे पास है, अपने लिए इन कॉपीज को खरीदना ना भूलें। इस पुस्तक में, इस महान ग्रंथ में प्रभु की तरफ से हमको जो संदेश मिला है उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश है, प्रभु यीशु का जीवन चरित्र। प्रभु यीशु को अपन उत्तर भारत में यीशु मसीह कुछ लोग बोलते हैं, ईसा मसीह कुछ लोग बोलते हैं, केरल में उन्हीं को यीशु कहा जाता है। ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। आप शायद ईसा नाम से ज़्यादा परिचित होंगे, मैं प्रभु यीशु नाम से ज़्यादा परिचित हूँ, उसका उपयोग ज़्यादा करता हूँ, इसलिए आज के संदेश में बार बार प्रभु यीशु नाम का उपयोग करूँगा जो कि ईसा मसीह के नाम का ही एक और रूप है। प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे थे। प्रभु के इस संसार में पधारने के 4000 साल पहले ईश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी कि मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा जो जगत का मुक्तिदाता होगा और जो पाप के कारणों को कुचलकर समाप्त कर देगा। उसके बाद 4000 सालों में लगभग 1000 अलग अलग भविष्यवाणियां हुई थी कि इस तरह से एक मुक्तिदाता को मैं इस संसार में भेजूंगा। इन 1000 भविष्यवाणियों को सुनने के बाद लोग इस इंतजार में थे कि कब प्रभु इस संसार में पधारेंगे और आज से 2000 साल पहले प्रभु
संसार में पधारे। 30 साल की उम्र तक वे अपने माँ बाप के साथ रहे, लेकिन उनके माँ बाप ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया था कि यह एक सामान्य बालक नहीं है। प्रभु ने भी कई बार इस बात को अपनी बातचीत में इंडिकेट किया था कि मैं देहधारी ईश्वर हूँ, मतलब ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और मेरे आने का उद्देश्य जिस तरह से तुम लोग जन्म लेते हो, खाते पीते हो, शादी ब्याह करते हो, बच्चे पैदा करते हो और उसके बाद संसार को छोड़ जाते हो, इस संसार में मेरे आने का उद्देश्य यह नहीं है। मेरे आने का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के रूप में इस संसार में आकर मनुष्य के पापों से बचने के लिए एक रास्ता उसको बता दूं, ना केवल उसको एक रास्ता बता दूं, बल्कि पाप से बचने के लिए मनुष्य के लिए एक रास्ता तैयार कर दूं। प्रभु ने लगभग 3.5 साल घूम घूम कर लोगों को बहुत सी अद्भुत शिक्षाएं दी। प्रभु ने 12 लोगों को अपने शिष्यों के रूप में भी चुन लिया था, जिससे कि ये 12 लोग प्रभु के साथ जहां भी प्रभु जाएं वहां पर प्रभु के साथ साथ जाएं और प्रभु की शिक्षाओं को सुने। इतना ही नहीं, ये 3.5 साल इन लोगों ने हर तरह से प्रभु से आत्मिक बातों की मार्मिक गहरी शिक्षाएं प्राप्त की। इनमें से एक शिष्य आज से 2000 साल पहले यहाँ हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान में अपन लोग जहाँ हैं यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से मुझे लगता है एक 41 किलोमीटर दूर एक प्रदेश में प्रभु के 12 शिष्यों में से एक पधारे थे और उन्होंने प्रभु यीशु का ये संदेश हमारी इस मिट्टी पर, हिंदुस्तान की इस मिट्टी में और खासकर केरल की इस मिट्टी में प्रभु के उस शुभ संदेश को सुनाया और तब से प्रभु यीशु के अनुयायी यहाँ केरल में और उसके अलावा सारे हिंदुस्तान में होते आए हैं। प्रभु ने इन 3.5 सालों में जो शिक्षाएं दी थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रोज सुबह होते होते लोगों का जमघट भीड़ लग जाती थी और प्रभु उनको शिक्षाएं देना शुरू करते थे तो उनको 5 मिनट रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। रात तक लोग उनके चरणों में बैठे रहते थे प्रभु की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से जब एक व्यक्ति 3.5 साल शिक्षाएं देगा तो उन सबको एक साथ लिख लेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की कम से कम 40-50 पुस्तकें हो जाएंगे। लेकिन प्रभु के अनुयायियों में से 4 अनुयायियों ने प्रभु के 3.5 साल की शिक्षाओं को और इन 3.5 सालों में प्रभु ने जो कुछ किया था उसको, उसमें से जरूरी बातों को कलेक्ट करके 4 पुस्तकों की रचना की और वो 4 पुस्तकें पवित्र बाइबल के लगभग बीचों बीच में है। इन पुस्तकों से हम कई बातों का अध्ययन पिछले दिनों करते आए थे। आज मैं उसमें से एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु की एक विशेषता थी कि वो सुबह से शाम तक शिक्षा देते थे और ये जब शिक्षा देते थे तो बहुत ही सरल भाषा में लोगों को शिक्षा देते थे। मैं आपको जो पोर्शन पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ वो प्रभु की 4 जीवनियाँ जो लिखी गई थी हैं उसमें से पहली जीवनी 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 14, 15 और 16 3 श्लोकों में हमको मिलता है। ये 3 श्लोक मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सरल है, हम में से कोई भी उसको समझ सकता है। प्रभु अपने श्रोताओं को बोलते हैं, तुम इस संसार की ज्योति हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता।
जो और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पहले प्रभु ने एक अपने विषय का परिचय दिया। पहली बात, प्रभु की वाणी जो लोग सुन रहे थे उन सबको बताया, तुम इस संसार की रोशनी हो। उसके बाद प्रभु ने दूसरी बात कही कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। पहली बात तो हम आसानी से समझ सकते हैं, जब प्रभु कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, तो उसके कहने का मतलब है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने इस संसार में इसलिए रखा है कि हम प्रभु की रोशनी को, प्रभु की ज्योति को दूसरों तक पहुंचा सके। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, प्रभु ने जो कहा वो आज के लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 2000 सालों में इस पृथ्वी की और शहरों की रचना बहुत बदल गई है। आजकल शहरों के लिए लोग एकदम से प्लेन समतल जमीन पसंद करते हैं। आज से 2000 साल पहले हिसाब बिल्कुल अलग था। आज से 2000 साल पहले जंगल बहुत थे, जंगली जानवर बहुत थे, और बिजली नहीं थी, नल में पानी नहीं था, और आज के समान सड़कें नहीं थी। इसलिए लोगों को रात के समय अपने सुरक्षा की बात देखनी पड़ती थी। आज पानी बरसता है, बाढ़ आता है, तो उस बाढ़ के पानी को ले जाने के लिए शहरों में नालियां हैं, मोरियां हैं, और इतना ही नहीं, नदी में बाढ़ का पानी जब आता है तो शहर में प्रवेश ना करे, उसके लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। वो बांध उस पानी को अपने बंधन में रखता है, जिसके कारण हम उसको बांध बोलते हैं। प्रभु यीशु के आज से 2000 साल पहले ये चीजें ना होने के कारण बरसात के समय शहरों में पानी भर जाए, रात को जंगली जानवर परेशान करे, इस कारण उस जमाने के लोग छोटी मोटी जो पहाड़ियां होती थी, जब यहां लिखा है कि जो शहर पर्वत पर बसा है, तो यह ना सोचना कि 5000 6000 फुट ऊंचे पर्वत की बात हो रही है। प्रभु के जमाने की पहाड़ियां जो 30 40 फुट ऊंची होती थी, लोग उन पहाड़ियों के ऊपर मकान बनाते थे या शहर बनाते थे, क्योंकि यदि शहर पहाड़िया पे है तो जंगली जानवर रात को पहाड़िया पे चढ़कर ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। दूसरी बात, पहाड़िया पर चढ़ने के लिए दो चार अच्छे रास्ते होते हैं, और यदि रात को चौकीदार उस अच्छे रास्ते की चौकी यदि चौकीदारी करे, तो जंगली जानवर आएगा तो उसको आग दिखाकर उसको भगा देगा, या उस जमाने के जो ढोलक और इस तरह के होते थे उसको बजाकर जानवरों को भगा देता था। तो इस कारण प्रभु के जमाने में सुरक्षा के हिसाब से पहाड़िया के ऊपर शहर बनाए जाते थे। और प्रभु के कहने का मतलब यह है कि देखो, यदि जमीन पर कोई शहर बनाता है तो उसके चारों तरफ के जंगल के कारण वो शहर दूसरों से छुपा रहता है, क्योंकि शहर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। लेकिन यदि कोई शहर पहाड़िया के ऊपर बसा हुआ है तो दूर दूर से लोग देख सकते हैं, दूसरे शहर जो दूर के पहाड़ियों पर है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर शहर है। खासकर शाम के समय जब लोग दिया जलाते हैं या लोग आग जलाते हैं, तो दूसरे शहर भी देख सकते हैं कि यहाँ शहर है। प्रभु के कहने का मतलब यह है कि मुझे और आपको प्रभु ने जंगल के अंदर छुपे हुए शहर के समान नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे और आपको पहाड़िया पर बसे हुए शहर के समान बनाया है, जो किसी से छुप नहीं सकता। मतलब हमको ऐसा प्रभु ने बनाया, और इसलिए बनाया कि हम दूसरों को दिखाई दें। और क्या दिखाई दे? तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा प्रकाश दिखाई दे, इसके लिए प्रभु ने तुम्हारी सृष्टि की है। उसके बाद प्रभु ने एक बात बताई जो आजकल के बच्चों को ये बातें समझना एकदम मुश्किल है, लेकिन
यहाँ जो थोड़ी सी उम्र के हैं और जो गांव वगैरह से आए हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं दीवट पर रखते हैं। ये ड्रम के समान मैंने जो बनाया है गांव में अभी भी चलता है। अभी भी अपन दूध वाले के पास जाते हैं तो वो पौवा होता है, उससे वो नाप के आपको दूध डाल के देता है। 250 सीसी, 250 सीसी का होता है। जो दूध वाला ज्यादा दूध का कारोबार करता है वो लीटर भर का डुबा के आपको देता है। मिट्टी का तेल लेने जाओ तो उसके पास लीटर भर का होता है, 2 लीटर का होता है, 4 का भी होता है किसी के पास, वो मिट्टी के तेल में डुबा के आपको डाल के देता है। ये है पैमाना। ठीक है, मैंने जितने पैमाने देखे हैं और सामान्यतया जितने पैमाने होते हैं उसमें इस प्रदेश में, केरल में, मेरे बचपन में एक पैमाना होता था जिसको जिसका शेप ये होता था और इसको मलयालम में परा कहा जाता था। आजकल इसका उपयोग नापने तौलने के लिए नहीं होता है, लेकिन इधर उधर जैसे स्कूल वगैरह में एनुअल फंक्शन होता है तो वहाँ गेट पे इसको लाकर रखना अभी भी अच्छा माना जाता है। अभी भी यदि केरल में किसी फंक्शन आदि में आप जाएंगे तो ये चीज़ वहाँ लाके रखा जाएगा, उसके अंदर धान डाला जाएगा और नारियल के पेड़ से नारियल के फूल, ये आसानी से दिखते नहीं हैं, उसको चढ़ के काट के लाना पड़ता है और बिल्कुल तलवार का जो म्यान होता है उस तरह का कवर होता है, उस कवर को खोलो तो उसमें से बिल्कुल सोने के कलर का उसका नारियल का फूल निकलता है, उसको बीच में रखते हैं। ये केरल में लोगों की एक आदत है। तो इस तरह से यदि किसी पार्टी वार्टी में आपको जाना पड़े तो आप इस पैमाने को देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने जब बोला कि लोग दिया जलाकर स्टैंड पर, दीवट पर रखते हैं, दिया जलाकर दिए को लोग स्टैंड पर रखते हैं जिससे कि सबको रोशनी मिले, दिए को लेकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। पैमाने यदि आप दिया के ऊपर उलट देंगे तो रोशनी अंधेरे में बदल जाएगी। इतना ही नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, दिया बुझ जाएगा। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कारण है। यदि पैमाने के नीचे रखने से दिया बुझ जाता है तो क्या इसका मतलब है कि पैमाना एक बेकार चीज है, उसको फेंक दिया जाए, समाज से उसका उन्मूलन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए? नहीं। अरे, पैमाने के बिना काम कैसे चलेगा? खासकर जिस युग में प्रभु ये बात बोल रहे थे उस युग में तो सारा काम पैमाने से चलता था। नमक पैमाने से तोला जाता था, गेहूं पैमाने से तोला जाता था, आपको जो चीज चाहिए वो सभी कुछ पैमाने से तोला जाता था। आजकल के तराजू कम हुआ करते थे। तो पैमाना तो बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं है कि पैमाना दिए को बुझा सकता है, इस कारण पैमाने को उठाकर फेंक दो। नहीं, प्रभु के कहने का मतलब यह था कि दिया भी जरूरी है, पैमाना भी जरूरी है, और जो स्टैंड है जिसके ऊपर दिया रखा जाता है, जिसको दीवट बोलते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए ये जरूरी है कि हर चीज का कार्य समझकर हर चीज का उपयोग सही तरीके से किया जाए। पैमाने का उपयोग दिए को बुझाने के लिए नहीं, पैमाने का उपयोग नापने के लिए किया जाए, दिए का उपयोग रोशनी देने के लिए दिया जाए। और यदि दिए का उपयोग रोशनी के लिए करना है तो उसको पैमाने के नीचे दबा कर रखने के बदले स्टैंड के ऊपर रखना है। प्रभु ने ये जो बात बोली ये आधुनिक शब्दों में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं बच्चों से, बच्चे रात को पढ़ते हैं टेबल लैंप वगैरह रख के पढ़ते हैं, तो हम आज की भाषा में बोलें तो बच्चों से अपन ये कह सकते हैं कि देखो बेटा, जब घर में सब लोग सोते हैं तो उनको लाइट से परेशानी होती है, लेकिन तुमको पढ़ाई करनी है
इसलिए टेबल लैंप ऑन करके तुम पढ़ाई करो, लेकिन टेबल लैंप कंबल के नीचे ढांक के थोड़ी रखा जाता है। कंबल से ढांक दोगे तो टेबल लैंप की रोशनी कहाँ आएगी, और टेबल लैंप की रोशनी नहीं आएगी तो तुम कैसे पढ़ोगे। उसी भाषा का प्रयोग आज से 2000 साल के हिसाब से प्रभु ने किया है। प्रभु के कहने का क्या मतलब है? प्रभु सामान्य लोगों की भाषा में बोलते थे। प्रभु के कहने का मतलब ये था कि प्रभु ने मुझे और आपको या मेरी और आपकी सृष्टि करके जन्म देके इस संसार में इसलिए भेजा है कि मैं और आप दूसरों के जीवन में रोशनी का कारण बन सके। इसका मतलब ये भी है कि इस रोशनी का उपयोग हम इस तरह से करें जिससे कि दूसरों को उजाला मिल सके, रोशनी मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि रोशनी को सही रीति से उसके स्टैंड पर रखा जाए, ना कि पैमाने के नीचे छुपा कर रखा जाए। इसका एक मतलब और भी है, रोशनी भी हमको चाहिए, स्टैंड भी चाहिए, पैमाना भी चाहिए। प्रभु के कहने का ये भी मतलब था कि हर चीज का अपना स्थान है, और यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु ने जिस तरह से हमसे चाहा है या प्रभु जिस तरह से हमसे चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो, तो हम हर चीज के महत्व को समझें। पैमाना किस लिए है, स्टैंड किस लिए है, दिए का काम क्या है, और दिया कैसे रोशनी दे सकता है, और वो रोशनी 10 लोगों तक कैसे पहुंच, ये सब हमको समझ लेना चाहिए। इसको यदि हम नहीं समझेंगे तो होगा ये कि पैमाना जैसी चीज जिसकी हमको बहुत जरूरत है उसका गलत उपयोग करेंगे, और गलत उपयोग का रिजल्ट क्या होगा कि दिया भी बेकार हो जाएगा, पैमाना भी बेकार हो जाएगा। जनरली ये पैमाने लकड़ी के बनाए जाते थे, आजकल तो दूध वाला एल्यूमिनियम का पौवा और एल्यूमिनियम का लीटर का वो लेके नापता है, ठीक है। अब तो शायद स्टील आ गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलन तो एल्यूमिनियम का है। आज से 2000 साल पहले पैमाना लकड़ी का बनता था। मेरे बचपन में भी केरल में पैमाना लकड़ी का ही होता था। मेरे खुद के घर में, मैं केरल के एक ऐसे गांव में मेरी पैदाइश है जहां बिजली नहीं थी। मुझे अभी भी याद है 5 साल की उम्र में जब उस गांव में एक घर में पहली बार बिजली आई, तो शाम को वो सेठ का लड़का ऐसे इतराते हुए आता था और स्विच ऑन करता था कि जैसे उसकी करोड़ों की लॉटरी खुल गई हो, और सारे गांव वाले यूं खड़े होकर देखते थे, ठीक है। उस गांव में मेरे बचपन में चावल लकड़ी के पैमाने से तोला जाता था। लकड़ी के क्या, बांस के पैमाने से। बांस को काट के एक पाव का बनाते थे, और उसमें से 4 नाप का एक सेर होता था, वो भी लकड़ी का होता था, और 15 या 20 सेर का ये पैमाना हुआ करता, सब लकड़ी के। ये बांस का नहीं, ये लकड़ी का होता था, लेकिन छोटा वाला बांस का होता था। बल्कि हम लोग केरल से जब मेरे बचपन में मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में जाके सेटल हो गए, तो मेरी माँ केरल से बाकायदा लकड़ी का पैमाना ले गई थी, और मुझे अक्सर इंस्ट्रक्शन दिया करती थी कि बेटा जरा वो बड़ा सा जो बर्तन है जिसमें चावल रखा हुआ है उसमें से एक पैमाना, मतलब वो पौआ जो है उसमें भर के चावल जरा इस बर्तन में डाल के मुझे ला के दो, मैं जरा चावल धो दूं। बाद में जब स्टील के ग्लास आ गए तो मम्मी सब कुछ स्टील के ग्लास में नापने लगी, और आजकल तो हमारे घर में स्टील के ग्लास में ही नापा जाता है। इस कारण कई बार बाइबल में कही हुई बातों को और उसके महत्व को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। लकड़ी के पैमाने का उपयोग परिवार में जरूरी था, हर चीज़ नाप के किया जाता है, लेकिन लकड़ी के पैमाने को यदि आप दिए के ऊपर उलट देंगे, दिया भी बेकार हो जाएगा, रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी, और बार बार रखेंगे तो आपका पैमाना जल जाएगा। यदि अच्छी ऐसी सूखी लकड़ी है जो एकदम से आग पकड़ लेती है तो वो जल जाएगा। मतलब ये कि मेरे और आपके जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है
उन चीजों को जिस रीति से उसका उपयोग करना चाहिए उस रीति से या उस तरीके से उसका उपयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, होनी अनहोनी में बदल जाएगी, अच्छा बुरे में बदल जाएगा। यह है जो प्रभु के कहने का मतलब था, तुम जगत की ज्योति हो। लोग दिया जलाकर स्टैंड पर रखते हैं, पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। और उसके बाद प्रभु ने एक आज्ञा दी, आज्ञा यह है, तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी रोशनी, ये 16th वर्स, तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी रोशनी मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, मतलब मेरे और आपके आत्मिक पिता की जो स्वर्ग में है, बढ़ाई करें। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार के लिए रोशनी बनाया, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कि हम खुद अंधेरे में ना भटके। आजकल तो अंधेरे में भटकने की बात करते हैं तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब तो बिजली का आविष्कार हो गया है, इस कारण दिन रात बराबर हो गए हैं, रात को इवन टॉर्च लेके कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन आज प्रभु की वाणी जो लोग सुन रहे हैं, इसमें से कई लोग गांव के बैकग्राउंड से आए हैं, आपको याद है, अच्छी तरह से मालूम है रात के समय गांव में क्या स्थिति हो जाती है। मैं तो केरल के एक गांव में पैदा हुआ, मेरी मम्मी एक ऐसे गांव में थी जहां पर आज भी रात को ऐसा अंधेरा होता है, ऐसा अंधेरा होता है कि कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखता। ऐसे अंधेरे में इवन मुझे और आपको चलना हो तो पहले हमारे जीवन में रोशनी होनी चाहिए। तो प्रभु ने हमको संसार की ज्योति जो बनाया है उसका पहला उद्देश्य है कि मैं और आप अंधेरे में टटोल के टटोले बिना, इधर उधर टकराए बिना चल सके। आप खुद जानते हैं अंधेरे में जाते हैं तो बड़ी मुसीबतें हो जाती हैं, है ना। मुझे अभी भी याद है, मैंने मम्मी के गांव के बारे में इसलिए बताया था कि एमएससी करने के बाद मैंने कुछ साल केरल में काम किया, तो कभी कभी मैं अपने मम्मी के घर में, मतलब मामा जी के घर में जाके रहता था। शनिवार की शाम को नौकरी वगैरह करने के बाद वहाँ से 40 किलोमीटर दूर उस जंगलनुमा प्रवेश में जाना पड़ता था, प्रदेश में जाना पड़ता था, आसान नहीं था। मुझे अभी भी याद है एक बार बस रास्ते में फेल हो गई, उसके घंटे डेढ़ घंटे के बाद अगली बस आई, तो वो तो आखिरी बस थी, उसमें तो पहले से पैर रखने की जगह नहीं थी। पता नहीं हम लोग कैसे जैसे तैसे उसमें ठस लिए और कंडक्टर को अनाउंस करना पड़ता था कि फलाना गांव आ गया, फलाना, कुछ दिखता ही नहीं है बाहर का, सब ऐसा अंधेरा है। गाड़ी में जब तक थे तब तक रोशनी थी, गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी चली गई तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, एब्सोल्यूट। मैंने पहली बार जीवन में इतना बड़ा अंधेरा देखा, रोना आ गया। मैं एमएससी पास कर चुका था लेकिन फिर भी शहर का पला हुआ मैं गांव के चारों तरफ बिल्कुल जंगल, भयानक जंगल नुमा पेड़ है वहां, 60-60, 80-80 फुट ऊंचे पेड़। अचानक याद आया कि यहाँ पे एक अंकल हैं सड़क के किनारे, मैंने जोर से आवाज लगाई। गांव की विशेषता है कि आवाज दूर तक चली जाती है, खासकर रात को। अंकल दौड़े दौड़े आए कि अरे बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल मैं फंस गया हूँ। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे थोड़ी सी रोशनी बांध देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, ये नारियल के लंबे पत्ते होते हैं ना, उसको बाकायदा झाड़ू के रूप में बांध देते थे और उसके किनारे आग लगा देते थे, और फिर आप उसको यूँ हिलाते हिलाते, यूँ हिलाते जाएंगे तो वो जलता जाएगा। और हिलाते हिलाते गए, वहाँ से लगभग मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना था, आधा किलोमीटर चल लिए, अब जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। तब पता चला कि शर्ट के अंदर कुछ जानवर रेंग रहा है,
वहां तो सांप, तमाम तरह के और खतरनाक जानवर, मेरी हालत खराब हो गई। प्रभु की दया से एक पड़ोसी विपरीत दिशा से आ रहा था, मैंने उसको आवाज लगाई, भैया दौड़ के आना, मेरे शर्ट में कुछ घुस गया है। तब तक तो असली रोनी सूरत हो गई थी, अब वो डरे कि रात को इसके शर्ट में क्या घुसा है, मैं हाथ लगाऊंगा उसको तो काटेगा, मुझे भी काटेगा। जब तक वो पास आया तब तक डर के मारे मेरे हाथ में ये जो रोशनी थी वो जमीन पर गिर गई, वो बुझ गई। मतलब वो हिंदी में अपन कहते ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े। जैसे तैसे वो अंकल आए, मदद किया उन्होंने, लेकिन वो 10 फुट दूर खड़े रहे। उन्होंने कहा पहले बस्ता नीचे रखो, शर्ट उतारो, मतलब वो हाथ नहीं लगाएंगे, वो मदद नहीं करेंगे। प्रभु की दया हुई कि बनियान उतारा तो पता चला कि वो एक टिड्डी थी, विट्टिकली टिड्डी नुमा, जो शायद इस पत्तों के बीच में थी और गर्मी के कारण वो उतर कर मेरे शर्ट के अंदर से अपनी सुरक्षा के लिए अंदर घुस गई थी। लेकिन अंधेरा कितना भयानक हो सकता है, और आप मौत को आमने सामने, मतलब अभी सांप आपको काटता है, अभी सांप जो है काटता है, अभी सांप काटता है, मान लीजिए सांप नहीं है उस, जब वहां इतने बड़े बड़े बिच्छू हुआ करते थे, तो बिच्छू डंक मारे, चलने की हिम्मत ना हो, हिलने की हिम्मत ना हो, इवन सांस लेने की हिम्मत ना हो, सांस लेते में यदि आपका बॉडी हिला तो बिच्छू ने डंक मारा, अंधेरे में गिर गया तो रात भर आप पड़े रहेंगे, सुबह आप जिंदा होंगे या नहीं। इस संसार में मेरा और आपका जीवन बिल्कुल इस समान है। हम अपने जीवन पर, जीवन के इस रास्ते पर चलते हैं, तो उस समय यदि हमारी नजर रोशनी पे ना हो, और रोशनी का जो असली स्रोत है वहां से यदि हम उस रोशनी को नहीं पाते, तो जीवन में डर ही डर लगा रहेगा। आज तो मैं हंसते हुए बोल रहा हूं कि वो कुछ नहीं था, वो तो टिड्डी थी। आज हंसना बहुत आसान है। आज से 35-36 साल पहले जब वो घटना मेरे साथ घटी थी, उस समय मैं अपने जवानी के पीक में था, लेकिन सच कहता हूं इतना जीवन में कभी नहीं डरा। जीवन में यदि प्रभु ने हमको जो रोशनी दी है, उस रोशनी को हम यदि किसी तरह की लापरवाही के कारण अंधेरे में बदल देते हैं, तो इवन छोटी चीज हमको बहुत अधिक डरा सकती है। इसलिए मैंने बोला वो तो ना तो सांप था ना बिच्छू था, जरा सी टिड्डी थी जिसको उठा के फेंक दिया, लेकिन इवन उस छोटी चीज ने मुझे काफी देर तक यूं कांपने पे मजबूर कर दिया था। आपके जीवन में प्रभु आपको जो रोशनी देना चाहते हैं, हम यदि अपनी लापरवाही के द्वारा उस रोशनी को बुझा दें, छुपा दें, तो जीवन की हर समस्या में हम इसी तरह से कांपेंगे। तीन बातें हैं जो प्रभु के वचन से आज हमने देखी, और वो तीन बातें मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में अंधेरे में जीने के लिए, अंधेरे के समान जीने के लिए नहीं, रोशनी बनाया है जिससे कि हम रोशनी में जिए, रोशनी के समान जिए, रोशनी बनकर जिए और दूसरों को रोशनी दे सके। दूसरी बात, जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, पैमाना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि हम अच्छी चीजों को जिस जगह पर रखना चाहिए उस क्रम पर रखे बिना मनमानी करें, तो रोशनी अंधेरे में बदल जाएगी। तीसरी बात, हम में से हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए
कि प्रभु ने हमको रोशनी बनाकर इस संसार में भेजा है, लेकिन दिया माचिस से जलाना पड़ता है तब वो रोशनी देती है। मोमबत्ती को माचिस से जलाना पड़ता है। आग के लिए लकड़ी एकत्रित करने के बाद उसको पहली चिंगारी देनी पड़ती है। गैस आप ऑन करते हैं तो वो अपने आप जल नहीं जाता, उसको पहली चिंगारी देनी पड़ती है। उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने जो कहा उसके अनुसार यदि हमको ज्योति के रूप में जीवन बिताना है तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु से पहली चिंगारी, उस रोशनी का, आग का पहला कण प्राप्त करके रोशनी बन जाए। और ये कैसे होगा? ये प्रभु यीशु ने अपने स्वयं के जीवन में ये बात 50 बार कही थी, बल्कि सैकड़ों बार, एक साल में सैकड़ों बार उन्होंने ये बात कही थी। देखो, मनुष्य को रोशनी के रूप में जीवित रहने के लिए मैंने इस संसार में भेजा, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने अपनी रोशनी समाप्त कर दी है। उसको वह रोशनी देने के लिए मैं इस संसार में आया। प्रभु ने अपने स्वयं के बारे में क्या कहा था? मैं संसार की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं इसलिए आया कि वे पाएं और बहुतायत से पाएं। इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है तुम जगत की रोशनी हो, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से मोमबत्ती को पहला स्पार्क चाहिए, वो पहली चिंगारी चाहिए, दिए को पहली चिंगारी, उस तरह से प्रभु से हमने वो पहली चिंगारी पाई है क्या? ब्रदर जेफरी, आप में से कई लोगों से मिलकर आपको प्रभु के बारे में बताकर आपको यहां पर लाए हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? ये जवान क्यों इतना टाइम इन बातों के लिए खर्च करता है? फालतू नहीं है, सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी करता है इसका मतलब है कि तनख्वाह तो गारंटी है। नौकरी करने के बाद शाम को जब छुट्टी हो जाती है वो घर जा सकता है। जवान है, उसकी जवान पत्नी घर पे है, अच्छा खासा घर है, वहाँ पहुँचकर दिन भर के कठिन कामों से वो शाम को विश्राम पा सकता है। क्यों उसके बदले ये जवान हर शाम बाहर जाकर दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताता है? इसलिए कि उसके जीवन में जो रोशनी आई है उसके महत्व को, उसकी कीमत को, वो कितना बहुमूल्य है इसको समझकर वो चाहता है कि एक दिए से जिसको प्रभु ने जलाया है, वो चाहता है कि एक दिए से हजारों दिए जलाए जा सके। ना केवल जेफरी, उसके अलावा और भी कई लोग यहां पर मौजूद है। जो जवान आज गाने के लिए यहां खड़ा हुआ था, वो मूंछों वाले सज्जन जो आपके पीछे बैठे हैं, जो गाना गाइड कर रहे थे, ब्रदर क्रिस्टी जो इधर बैठे हुए हैं बीच वाली कुर्सी पे, ये लोग क्यों यहां आए? ये बहनें यहां क्यों आई हैं? घर बैठ के संडे की शाम को ये लोग आराम से मस्ती कर सकते थे। ये लोग इसलिए आए जिससे कि यहां आकर ये इस नव जीवन के बारे में आपको बता सके। इतना ही नहीं, सबसे पीछे दो जवान बैठे हुए हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, बहुत मुश्किल से समझ लेते हैं। उधर सबसे पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो हिंदी की ABCD नहीं जानते हैं। वो क्यों आए? क्यों इतने लोग आए हैं? जरा पूछिए, जरा अपने आप से पूछिए। उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन हर संडे वो बुजुर्ग यहाँ आते हैं। क्यों? इन सबके जीवन में एक लक्ष्य है। इन्होंने वो पहला स्पार्क, वो पहली चिंगारी अपने जीवन में पाई है, और उस पहली चिंगारी को पाने के कारण वो अपने चारों तरफ इस दुनिया रूपी जंगल को देखते हैं तो इस जंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको सब दिखता है,
सब उस रोशनी में साफ साफ दिखता है, और वो चाहते हैं कि ये रोशनी आप में से हर एक के जीवन में पहुँचे, इसलिए ये लोग यहाँ आए हैं। इनमें से कुछ लोग अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हैं, मेरे समान नहीं बोल पाते हैं। देखिए मेरी बात अलग है, मैं MP का हूँ, ठीक है, इसलिए मुझसे कंपेयर ना करें, लेकिन अत्यावश्यक हिंदी ये बोल लेते हैं। हमारे बीच में भाई बर्नबास, जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रार्थना की थी, वो तो हैं ही उत्तर भारतीय, वो हिंदी बड़े आराम से बोल लेते हैं। मुझे छोड़िए, ये जितने भाई हैं इनमें से किसी से बात कीजिए, पूछिए कि वो शास्त्री फिलिप जिस रोशनी के बारे में बोल रहे थे, वो मुझे कैसे वो रोशनी मिल सकती है। आज से कई साल पहले इस बात को समझकर मैंने अपने पिताजी से पूछा था, पापा रोशनी पाने के लिए, जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने ये बात मुझे बताई कि जीवन पाने के लिए जिसने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया है, प्रभु यीशु, जिन्होंने कहा कि मैं जगत की रोशनी हूँ, उनके पास जाओ, उनके बलिदान को देखो, ये जानो कि वो बलिदान तुम्हारे लिए हुआ, ये मान लो कि वो बलिदान तुम्हारे लिए हुआ, स्वीकार कर लो कि वो बलिदान तुम्हारे लिए हुआ और तुम रोशनी पाओगे। मैंने वो रोशनी पाई और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, जिससे कि उस रोशनी के बारे में आपको बता सकूँ। यहाँ ऐसे भी कई भाई बहन हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये रोशनी पा ली है, उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस रोशनी को ख़त्म कर सकती है। पहली बात, उस रोशनी को ढांप सकती है, उस रोशनी को ख़त्म कर सकती है। उस रोशनी की मदद से ही आपके जीवन को नाश कर सकती है। जिस तरह से वो दिया पैमाने को जला सकता है, उसी तरह से प्रभु ने आपके जीवन में जो अच्छी बातें दी है, उन अच्छी बातों का यदि आप बुरा उपयोग करेंगे तो अच्छी बातों के द्वारा आप जीवन का नाश भी कर सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जिस घर में भी पुरुष होते हैं उस घर में ब्लेड जरूरी होता है, शेव करने के लिए ब्लेड जरूरी है। ब्लेड और ब्लेड के पैकेट को आप अपने घर पे टेबल पर छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं, ब्लेड बाजार से खरीदते हैं तो वो हमेशा या तो प्लास्टिक के पैकेट में या पेपर के 2 या 3 कवर में आता है, और उसको हम हमेशा घर के सबसे ऊपर रखते हैं, जहाँ पर जाने अनजाने घर के छोटे बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। जरूरी है, उपयोगी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, लेकिन उसको हम लापरवाही से इधर उधर नहीं डाल देते हैं। उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको गलत जगह पर डाल देंगे तो विनाश का कारण हो जाएगा। आत्मिक जीवन में भी प्रभु ने आपको जो अच्छाई दी है, उस अच्छाई को यदि आप प्रॉपरली नहीं यूज़ करते तो वो विनाश का कारण बन जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता था। फिर से याद दिला दूं, प्रभु ने हमको रोशनी बनाया है। वो पहला स्पार्क आपने पाया है क्या? जिस तरह से गैस को पहला स्पार्क देने पे गैस का चूल्हा जलता है, प्रभु से वो स्पार्क आपने पाया है क्या? पाया है तो आप जगत की रोशनी हैं, नहीं पाया है तो आज उसके बारे में जान लें। दूसरी बात, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को उनके क्रम से रखने के बदले उलट पलट कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों का विनाश हो जाएगा। तीसरी चीज, इस रोशनी को आपने पाया है क्या, ये जांच ले। जिन्होंने नहीं पाया है वे पा लें, जिन्होंने पा लिया है वे इस बात को जांच कर देखें कि इसका उपयोग वो सही रीति से कर रहे हैं या गलत उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
प्रभु ने आज हम सबको ये जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। हम इस सभा को प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। ब्रदर क्रिस्टी आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे।